हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम प्रिया है और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मिशन यूपीएससी सीएसई पे। एक बार फिर से एक नया करंट अफेयर्स का पीआईबी का एक जस्ट जो है बहुत छोटा सा समरी ह्यूमन राइट्स डे, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के बारे में आप लोगों के साथ आज के सेशन में डिस्कस करूंगी। काफी सारी चीजें हैं, ये जो टॉपिक है इसमें जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। प्रीलिम्स में आपसे जा सकती हैं अबाउट इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट के बारे में, यूडीएचआर के बारे में पूछी जा सकती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस जो है इससे रिलेटेड भी ये टॉपिक है। ठीक है, तो सारी चीजों को कवर करेंगे वन बाय वन। लेकिन शुरू करने से पहले एक बार जल्दी से सेशन को जो है शेयर कर दीजिए फटाफट से, कई सारे लर्नर्स हमारे साथ जुड़ जाए ताकि सेशन की शुरुआत बेहतर हो सके। ठीक है, काफी ज्यादा ठंड है, सीरियसली काफी ज्यादा ठंड है यहाँ पे। ठीक है, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं अबाउट मी, दिस इज मी प्रिया कुमारी। ठीक है, 4 years है मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस। आई हैव वर्कड एज यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन फैकल्टी इन वेरियस इंस्टीट्यूशंस। मैथमेटिक्स से एमएससी किया है मैंने, दिस इज माय क्वालिफिकेशन, एंड मोटिवेशनल स्पीकर एंड एंकर भी हूं मैं। ठीक है, तो आप लोग यहां से इस लिंक के थ्रू मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं और यहां से आप लोग मेरे अनअकैडमी आईडी को फॉलो कर सकते हैं ताकि आप लोगों के लिए रोज शाम को 6 बजे जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज मैं लेके आती हूँ उन सभी की नोटिफिकेशन 15 मिनट पहले आपको मिल जाए। ये तभी होगा जब आप मेरी प्रोफाइल को अनअकैडमी पे फॉलो करेंगे। ठीक है, तो फॉलो कर लीजिएगा। इसके साथ साथ गाइज, आप अगर यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं तो आपके जो जनरल स्टडीज है उसको इंडिया के लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप अपना एग्जाम यानी कि जो टारगेट है आपका, जो गोल है यूपीएससी तक पहुंचना, उसके लिए सही दिशा मिलने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको एक सही गाइडेंस मिले। और यहाँ पे आपको 14,000 से भी ज्यादा इंडिया के बेस्ट लेवल के एजुकेटर्स हैं जो यहाँ पे आपको गाइड करने वाले हैं, मेंटर करने वाले हैं ताकि आप अपने एग्जाम्स क्रैक कर सको। ठीक है, अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं और प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए 12 मंथ्स की आपकी फी 49,500 है, जिसमें अगर आप मेरा रेफरल डाल देते हो प्रिया 11 तो आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिलके सिर्फ 44,550 में 12 महीने का पूरा सब्सक्रिप्शन प्लस के लिए मिल जाएगा। ठीक है गाइज, अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी मिलती है। इसमें आप लोगों को जो है मेंस की टेस्ट सीरीज भी मिलती है और इसके साथ साथ पर्सनलाइज्ड फीडबैक और आपको एक पर्सनल मेंटर भी मिलता है। ठीक है, सो आइकॉनिक कोर्सेज में कुछ ज्यादा बेनिफिट्स हैं। इस कोर्स को, अगर आइकॉनिक कोर्स को आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो 12 महीने के लिए इसकी फी है 69,500 और 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा मेरे रेफरल कोड से। ये रेफरल कोड है मेरा प्रिया 11। ठीक है, कैपिटल में ही नाम लिखना है, स्मॉल लेटर्स नहीं लिखना, पी कैपिटल, आर कैपिटल, सारे कैपिटल। ठीक है, उसके बाद 11 में गैप नहीं है, ठीक है, किसी में भी कोई गैप नहीं है, प्रिया 11 कंटिन्यू लिखना है। इस कोड को यूज करने से 10% आपको डिस्काउंट हो जाएगा और 12 मंथ्स की फी जो है वो 62,550 रुपीस हो जाएगी। ठीक है, तो आप यूज कर सकते हैं ये रेफरल कोड और आप प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऑप्शनल की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो ऑप्शनल की 12 महीने की फी यहाँ पे आप देख सकते हैं। सिमिलरली इसके लिए भी आप मेरे कोड को यूज करेंगे तो आपको 24,750 ओनली, सिर्फ इतना ही पे करके 12 महीने के पूरे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो गाइज, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपके पास यूपीएससी क्रैक करने के लिए सिर्फ 6 महीने बचे हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो यूपीएससी सीएससी 2021 प्रीलिम्स अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो तो 15 दिसंबर से हमारे यहाँ पे बैचेस शुरू हो गए हैं और इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं अगर आप, तो उसके लिए भी मेरा रेफरल कोड आप यूज कर सकते हैं। बाइलिंगुअल है ये बैच, जिसमें कंप्लीट आपको जीएस सिलेबस कवरेज मिलेगा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी, लाइव क्लासेस आपको मिलेंगे 500 से भी ज्यादा, फ्री पीडीएफ और स्टडी मटेरियल्स आपको मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल आपको दिया जाएगा, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगी और यहाँ पे इंडिया के बेस्ट लेवल के एजुकेटर्स जो है
वो आपको गाइड करेंगे, मेंटर करेंगे, ताकि आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सको, आपका जो सपना है बरसों से आईएएस ऑफिसर बनने का वो पूरा हो सके। ठीक है, सो ज्वाइन कर सकते हैं आप इस कोर्स को, और ये देखिए इस कोड को यूज कर लीजिएगा ताकि 10% आपको डिस्काउंट मिल जाए। ठीक है, इसके अलावा भी किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, यूजीसी नेट, कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी इस कोड को यूज करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, उसके लिए भी आपको 10% पूरा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, सो गाइज आपको मैं बता दूं, आज शाम को 6 बजे हमारी स्पेशल क्लास है 6 PM को। ठीक है, स्पेसिफिक हमारा प्रीलिम्स का सीरीज चल रहा है, तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा शार्प शाम को 6 बजे मेरे साथ। ठीक है, इसके साथ आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के बारे में। आप सब जानते हैं 10th of December को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। आपके जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स में ये टॉपिक आ जाता है। ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट से रिलेटेड चीजें आपसे प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस ये कवर करता है। उसके अलावा आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी ये कवर करता है। ठीक है, तो ये ध्यान से देख लीजिएगा, कई सारी चीजें बताऊंगी। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दिया यहाँ पे मैंने कि 10th of December को हर साल ह्यूमन राइट्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है। कुछ यहाँ पे पॉइंटर्स हैं। सबसे पहली चीज है गाइस कि ह्यूमन राइट्स डे जो है हर साल मनाया जाता है, ताकि जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि UDHR, इसको शॉर्ट में बोलते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसको कमेमोरेट करने के लिए ह्यूमन राइट्स डे हर साल मनाया जाता है। ठीक है, UDHR को अडॉप्ट किया था और प्रोक्लेम किया गया था बाय द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन 1948। ठीक है, UDHR के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये एक माइलस्टोन डॉक्यूमेंट है। ठीक है, दिस इज अ माइलस्टोन डॉक्यूमेंट जिसकी वजह से आपके जो इन एलिनेबल जो राइट्स है, जैसे कि दोज आर नॉट सब्जेक्टेड टू टेकन अवे, जो आपसे छीने नहीं जा सकते। ठीक है, जो आपके राइट्स हैं, जो आपसे छीने नहीं जा सकते, जो हर एक ह्यूमन बींग का हक है, उसकी जो है उसको अडॉप्ट किया गया था इस पर्टिकुलर UDHR के अंदर। ये एक डॉक्यूमेंट है। ये जो डॉक्यूमेंट है ये 500 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि 500 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस में ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, और ये मोस्ट ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट है पूरी दुनिया का। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहली चीज कि UDHR एक माइलस्टोन डॉक्यूमेंट है दैट प्रोक्लेम्स द इनएलिनेबल राइट्स, जो आपसे छीने नहीं जा सकते, वो आपका हक है एज अ ह्यूमन बींग। और दूसरी चीज ये कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये 500 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जो कि मोस्ट ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट है पूरी दुनिया का। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, इसका ध्यान रखिएगा। इसके अलावा द डिक्लेरेशन रिकॉग्नाइजेस दैट इनहेरेंट डिग्निटी एंड द इक्वल एंड इनएलिनेबल राइट्स ऑफ मैनकाइंड आर द फाउंडेशन ऑफ जस्टिस, फ्रीडम एंड पीस इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये जो डिक्लेरेशन हुई थी जनरल असेंबली के द्वारा UDHR की, इसने ये रिकॉग्नाइज किया कि जो मानव की डिग्निटी है, जो इक्वालिटी होनी चाहिए, मैनकाइंड की जो राइट्स है वो उनसे छीने नहीं जा सकते और वो उनको दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये हमारी फाउंडेशन है, ये बेस है जस्टिस का, फ्रीडम का और दुनिया में पीस का। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन से हमें इस चीज की जो है समझ हुई और इस चीज के बारे में हमें जानने को मिला। ठीक है, सो दीज आर द टू पॉइंट्स UNDHR के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। आफ्टर दैट गाइस, इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर बात करें, सो दिस डे इज ऑब्जर्व्ड टू प्रमोट द इक्वालिटी, पीस, जस्टिस,
फ्रीडम एंड द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है, तो हर साल 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे इसलिए मनाया जाता है ताकि इक्वालिटी, पीस, जस्टिस, फ्रीडम और ह्यूमन डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया जा सके और इसको प्रमोट किया जा सके। ठीक है, जो अत्याचार हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, उसने इस चीज का एहसास दिलाया कि जो मानव के हक है, जो ह्यूमन राइट्स है, उसकी कितनी ज्यादा अहमियत है, उसकी इंटरनेशनल प्रायोरिटी के बारे में हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अत्याचार से पता चला। एट्रोसिटीज का मतलब होता है अत्याचार। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो अत्याचार हुए थे उससे हमें पता चला कि इंटरनेशनल प्रायोरिटी क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है ह्यूमन राइट्स का। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल इज एंटाइटल्ड टू द राइट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ रेस, कलर, रिलीजन, सेक्स, लैंग्वेज और सोशल स्टेटस। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल को हक मिलना चाहिए, वो एक ह्यूमन बीइंग है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो किस कास्ट का है, किस रिलीजन का है, वो मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। आप सबको पता है कि ट्रांसजेंडर को अब थर्ड जेंडर की कैटेगरी में माना जाता है। ठीक है, या फिर उसका कोई भी सोशल स्टेटस हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ दीज थिंग्स उसके राइट्स उसे मिलने चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को प्रायोरिटाइज करने के लिए और इस चीज को प्रमोट करने के लिए हर साल 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स गाइज। आपसे थीम पूछा जाता है, ठीक है, दो मिनिमम मतलब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड कि इस साल ह्यूमन राइट्स डे का थीम क्या था। ठीक है, तो 2020 का जो थीम है वो था रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, 2020 का ह्यूमन राइट्स डे का थीम था रिकवर बेटर एंड स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ये जो थीम था इसने फोकस किया कि जितनी भी चीजें हैं जिसकी जरूरत है ह्यूमन राइट्स को बिल्ड करने की, उनको आगे बढ़ाने की, और जितनी भी एफर्ट्स की जरूरत है वो सारी दी जाएंगी और उन सभी पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, उसी के लिए ये पर्टिकुलर थीम दिया गया था। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर डे। ठीक है, इस साल ह्यूमन राइट्स डे जो है इसका थीम जो COVID-19 पैंडेमिक है इससे रिलेट करके दिया गया, क्योंकि आप सबको पता है कि कितना ज्यादा हमारी पूरी इकोनॉमी को और हमारे देश के हर एक नागरिक को अगर देखा जाए तो झेलना पड़ा है इस पैंडेमिक की वजह से। ठीक है, सो 10th of December इज एन अपॉर्चुनिटी टू रीअफर्म द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स इन रीबिल्डिंग द वर्ल्ड वी वॉन्ट। ठीक है, तो 10 दिसंबर हमारे लिए एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम ह्यूमन राइट्स के, मानव के जो हक हैं, उसको दोबारा से याद कर सकते हैं, दोबारा से हम उन्हें बिल्ड कर सकते हैं और जैसी दुनिया हम चाहते हैं वैसी दुनिया हम बना सकते हैं। ठीक है, द सेलिब्रेशन सिग्निफाइज द नीड फॉर ग्लोबल सॉलिडारिटी एज वेल एज आवर इंटरकनेक्टेडनेस एंड शेयर्ड ह्यूमैनिटी एज वेल। ठीक है, नाउ वी विल रीच आवर कॉमन ग्लोबल गोल्स ओनली इफ, हम अपने कॉमन ग्लोबल गोल तक तभी पहुंचेंगे जब वी आर एबल टू क्रिएट इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, अगर हम सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर दें, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, चाहे वो किसी कास्ट का हो, किसी रिलीजन का हो, ये सारी चीजों को पीछे छोड़ते हुए अगर हम सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें तो हम अपने कॉमन गोल्स तक पहुंच सकते हैं। दूसरा क्या पॉइंट है, वी एड्रेस द फेल्योर्स एक्सपोज्ड एंड एक्सप्लॉइटेड बाय COVID-19। ठीक है, एंड थर्ड वन इज वी एड्रेस द सोसाइटल एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो सोसाइटल एक्सक्लूजन और डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव होता है उसको अगर हम एड्रेस कर सके तो हम अपने कॉमन गोल्स तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ गाइज हम बात करेंगे कि ह्यूमन राइट्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कैसे एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। ठीक है,
सो ह्यूमन राइट्स आर एट द हार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। एज इन द एब्सेंस ऑफ ह्यूमन डिग्निटी वी कैन नॉट होप टू ड्राइव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए हार्ट का काम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर इंसानों की अगर ह्यूमन डिग्निटी ही नहीं होगी, अगर ह्यूमन डिग्निटी एब्सेंस होगा, तो हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कैसे अचीव करेंगे। एज यू आर वेल अवेयर कि 2030 तक का हमारा टारगेट है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम अचीव कर ले, ठीक है। तो ह्यूमन डिग्निटी के एब्सेंस में इट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव ऑल आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। सो दैट इज व्हाई दीज आर लिंक्ड विद ईच अदर एंड टू रेज अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट देयर राइट्स, ये दिन हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज सिंस इट्स इंसेप्शन On 12th of October 1993, the National Human Rights Commission of India, NHRC, has endeavored to promote a culture of human rights, ठीक है। तो जब 12 अक्टूबर 1993 को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जब फॉर्म हुआ था, उसके बाद से ही ये ह्यूमन राइट्स का जो कल्चर है उसको प्रमोट करना इसने शुरू कर दिया था, ठीक है। NHRC, like most of the human rights institutions in the world, is a recommendatory body as per the Protection of Human Rights Act, which was passed by the Parliament, ठीक है। तो National Human Rights Commission जो है वो बाकी सारे human rights institution दुनिया में जो है उनकी तरह ही एक recommendatory body है, ठीक है, जो कि इंसानों का, मानव का जो हक है उसके प्रोटेक्शन में बात करती है, और ह्यूमन राइट्स एक्ट जो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था उसके बाद इसको बनाया गया था, ठीक है, ताकि इंसानों का जो हक है उसको ये प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो गाइज गो थ्रू द थिंग्स प्रॉपरली। UDHR इम्पॉर्टेंट है, थीम इम्पॉर्टेंट है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसके हर एक चीज को प्रॉपरली गो थ्रू करिएगा ताकि किसी भी कॉस्ट पे आपका एक भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में गलत ना हो, ठीक है। सो गाइस अगर आप यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, सो लेट्स डिसाइड टू क्रैक इट, एंड 15th ऑफ दिसंबर से हम लोगों की यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए एक कोर्स शुरू हो चुका है। इस पर्टिकुलर कोर्स में, ये प्रीलिम्स स्पेसिफिक कोर्स है, आपको इंडिया के बेस्ट लेवल के एजुकेटर जो है वो मेंटर कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, ताकि 2021 का प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर सको, ठीक है। तो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, ये बाइलिंगुअल कोर्स है गाइस, ठीक है, तो इसको ज्वाइन करने के लिए प्रिया 11 आप यूज करके प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। अनअकैडमी प्लस पे ये कोर्सेस स्टार्ट हो रही है, इसको ज्वाइन करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड देख लीजिए ध्यान से, कैपिटल लेटर्स में मेरा नाम, उसके आगे 11, कोई गैप बीच में नहीं देना है, ठीक है, डायरेक्टली आपको लिखना है। इस पर्टिकुलर कोड, रेफरल कोड को यूज करके आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा प्लस पे, और बाकी सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे जो आपको अनअकैडमी प्लस से मिलती है, ठीक है। सो ये जो लिंक आपको दिख रहा है ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, यहाँ पे आप लोग मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है गाइज। सो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया, आपको सारी चीजें क्लियर हुई कि कौन कौन सी चीजें आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जाने से पहले गाइज मैं आपको बता दूं कि ये जो लिंक देख रहे हैं ये मेरे अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक है, यहाँ से आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अनअकैडमी पे फॉलो करने से आप लोगों के लिए जो शाम को 6 बजे मैं स्पेशल क्लासेस लगाती हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। उस नोटिफिकेशन मिलने से आपको ये पता चलेगा कि मैम की क्लासेस कब हो रही हैं, कब कौन सा टॉपिक मैम लेने वाली हैं, ठीक है। तो 15 मिनट्स पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जब भी कोई अपडेट आएगा मेरे कोर्सेज से तो उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिएगा। इसके साथ साथ मैंने प्लस के बारे में आपको बता ही दिया, 15th ऑफ दिसंबर से कोर्स शुरू हो गया है, क्योंकि सिर्फ 6 महीने आपके पास बचे हैं, ठीक है। तो इंडिया के बेस्ट लेवल के एजुकेटर जो है वो आपके लिए यहाँ पे 15th दिसंबर से बाइलिंगुअल कोर्स लेके आए हैं, उसको अगर सब्सक्राइब करना है तो ये कोड यूज करके आप प्लस पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है गाइज। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एज वेल, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप सभी यहाँ पे मेरे साथ बने रहे एंड आप सभी ने काफी सपोर्ट किया।
फिर से मिलते हैं दोपहर 1 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।